जी शलब माथुर हयातनगर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी सराय तरीन पहुंचे। चौकी पर मौजूद प्रभारी राजेश सोलंकी और चौकी इंचार्ज नवीन शर्मा ने डीआईजी का स्वागत किया। डीआईजी ने चौकी का निरीक्षण कर बिल्डिंग का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस दौरान पुलिस चौकी में बनी नई बिल्डिंग की व्यवस्थाओं से खुश होकर डीआईजी ने थाना प्रभारी राजेश सोलंकी और चौकी प्रभारी नवीन कुमार के कार्य को सराहा एवं प्रशंसा भी की। बता दें कि सराय तरीन की पुलिस चौकी आजादी से पूर्व की बनी पुलिस चौकी है, जिसकी इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन अब इस इमारत को बनाने की जरूरत थी, जिसके चलते एसपी चक्रेश मिश्रा के आदेश पर थाना प्रभारी हयात नगर एवं चौकी प्रभारी सराय तरीन के द्वारा पुलिस चौकी की इमारत को बनवाया गया था। इसी बिल्डिंग का फीता काटकर उद्घाटन डीआईजी द्वारा किया गया। इस दौरान क्षेत्र के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। डीआईजी ने लोगों से बात करते हुए कहा कि पुलिस सदैव नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। इस मौके पर अधिकतर अधिकारी मौजूद रहे। संभल में आज एटीएस का रात एक छापा पड़ा है, यहाँ पे संदिग्ध की तलाश में। क्या है सर पूरा? जी कुछ चीजें गोपनीय हैं जो अभी आप लोगों से शेयर नहीं की जा सकती, सही समय पे आप लोग के साथ शेयर। तो कब तक इंतजार करना होगा? कार्रवाई तो चल रही है शासन में सर। सर आज जनपद में कार्यक्रम था सर, कई जगह उद्घाटन किए गए सर, क्या था? जी कल रात में मेरे द्वारा यहाँ बनियाटेर थाने का भी निरीक्षण किया गया और उसके बाद पाठकपुर चौकी का देर रात में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ एक बार विजिट किया गया था और जो भी आवश्यक बिंदु उनके निर्देश और समीक्षा दी गई थी। इसके बाद आज मॉर्निंग में यहाँ पुलिस लाइन में सुबह जो है पुलिस पेंशनर जो हमारे पुराने पुलिस के कर्मचारी होते हैं जो अधिकारी, उनके साथ एक मीटिंग की गई। उसके बाद जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम है और जो विशेष महिला सुरक्षा जो अधिकारी जो नियुक्त हुए उनकी ब्रीफिंग की गई और उनसे फीडबैक लिया गया। उसके बाद जो राजपत्रित अधिकारी उनके साथ गोष्ठी की गई और जो निर्देश है मुख्यालय स्तर से उसकी क्या अनुपालन की स्थिति और कहां पर हम लोग को और बेहतर करना है। साथ ही जो मैंने रात में भ्रमण किया था तो वहां पर दो हमारे जो पुलिस कर्मचारी थे उनका कार्य बनियाटेर थाने में उत्कृष्ट श्रेणी का पाया गया, उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। अभी जैसा आपने देखा होगा यहाँ सराय तरीन चौकी जो है थाना हयात नगर में उसका जीर्णोद्धार किया गया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चौकी है, काफ़ी पुरानी चौकी है, तो यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करने के बाद जो यहाँ पर बैरिक्स और शौचालय और बाकी स्थिति है बहुत इम्प्रूव हो गई है। मुझे लगता है इससे पुलिसिंग को बहुत ही सकारात्मक रूप से लाभ होगा।